नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल पे। और आपके MPG फोर सेटअप बॉक्स यदि आपके पास है तो उसमें आपने कभी देखा होगा कि आपके इसमें कुछ इस तरह से ऑप्शन बताता है आपके टीवी में, जब भी आप बॉक्स को चालू करते हैं और आपकी इसमें एग्जैक्ट प्रोग्राम नॉट एग्जैक्ट करके एग्जैक्ट बता रहा है, तो इसको कैसे आप सही कर सकते हैं। तो आज इसी के वीडियो के लेके आया हूँ। तो वीडियो बहुत ही अच्छी है जिससे आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो वीडियो पे बने रहें और देख सकते हैं कि कैसे आप इसको सही कर सकते हैं अपने सेटअप बॉक्स पे। तो सबसे पहले अपने सेटअप बॉक्स में करना क्या है कि सबसे पहले आपको केबल वगैरह चेक कर लेनी है, कोई केबल वगैरह कोई फालतू नहीं है जिसके कारण से मेरे चैनल एग्जैक्ट हो गए हैं। जो आपकी वायर होती है जो आपके एनएलवी में जाती है वो कहीं शॉर्ट तो नहीं है, या फिर आपको कहीं से डिस्टर्ब तो नहीं हो गई, फिर कोई बच्चे ने चैनल्स को डिलीट तो नहीं कर दिया। इस कारण से जब भी ऐसी समस्या आ रही है तो उसको आप सही अपने हाथों से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने रिमोट से में मेनू का बटन प्रेस करना है। मेनू का बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको सबसे पहले चैनल्स एडिट करने के लिए आएगा, फिर इसके बाद आपका सिस्टम सेटिंग्स, फिर इसके बाद आपका इंस्टॉलेशन आएगा, फिर इसके बाद आपका यूटिलिटी आएगा, यूटिलिटी के बाद आपको मीडिया सेंटर आएगा। मीडिया सेंटर इतने ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, सेटेलाइट पे आ जाना है। जैसे आप सेटेलाइट पे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टोटल चार ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपका है एंटीना सेटिंग्स हो गया, फिर इसके बाद मोटर सेटिंग्स हो गया, सेटेलाइट लिस्ट हो गई, फिर इसके बाद आपको टीपी लिस्ट हो गई। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको सेटेलाइट लिस्ट पर आ जाना है। तो सेटेलाइट लिस्ट में मैं ओके करता हूँ। तो सेटेलाइट लिस्ट में ओके करने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हमको यहाँ पर सेटेलाइट मिल रही हैं, टोटल 60 के करीब सेटेलाइट मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल ये अभी आपके सेटेलाइट है। तो आपको करना क्या है कि आपका सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपको जो 95 डिग्री पे आपका जो है, तो जिसमें मैंने सेलेक्ट किया है, तो इसमें आपका सिग्नल क्वालिटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है, या फिर आपकी इसमें सेटेलाइट नहीं है, तो उसको आप कैसे आप बना सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको ब्लू बटन, सॉरी ग्रीन बटन को प्रेस करनी है। ग्रीन बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो नई सेटेलाइट ऐड करने के लिए आपको आ जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं मेरी इसमें सिग्नल क्वालिटी और स्ट्रेंथ दोनों बता रही है। तो इसको मैं आपको एडिट करके दिखा दूंगा कि इसमें हमको क्या डालना है न्यू सेटेलाइट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सेटेलाइट पे मैंने ऐड करने के लिए आपको QNS6 सेलेक्ट कर लेना है, SES ऐड करके 95 में आपको सेलेक्ट कर लेना है। लैंगिट्यूड में आपको 0.95.0 आपको डालना है। फिर इसके बाद इसमें डायरेक्शन जो आपका रहेगा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद आने के बाद आपको यहाँ पर से सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको करना क्या है कि आपकी सेटेलाइट इस तरह से कुछ बन जाएगी और आपको इसमें कुछ सिग्नल क्वालिटी बताने लगेगा। तो इसमें आपको करना क्या है, अपने रिमोट से ओके के बटन प्रेस करना है। तो इस तरह से आप ओके के बटन प्रेस करेंगे इसमें, और बटन को प्रेस करने के बाद आपको अपने रिमोट से इन्फो का बटन प्रेस करना है। आप देखेंगे कहीं पास आपको इन्फो का बटन मिल जाएगा। सब रिमोट का डिजाइनिंग अलग अलग रहती है, तो इन्फो लिखा रहता है या फिर आपको सिग्नल लिखा रहता है, तो आपको इन्फो का बटन प्रेस करना है। तो अपने रिमोट से मैं इन्फो का बटन प्रेस करता हूँ। तो इन्फो का बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर सेटेलाइट आ जाएगी। सेटेलाइट के बाद आपको यहाँ पास आप देख सकते हैं NS6 हो गया, फिर इसके बाद ये सभी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पास देख सकते हैं कि ये सबको आपको चेक करना है कि सही होना चाहिए इसको। फिर इसके बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको इसमें मार्क लगा देना है। जैसे ही आप मार्क लगाएंगे तो आपको यहाँ पास देख सकते हैं कि नीचे आपके ऑप्शन आ रहे हैं कुछ। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पास आपको नीचे देख सकते हैं कि आपको डिलीट करने के लिए आ रहा है, ऐड करने के लिए आ रहा है, ऐड करने के बाद आपको एडिट करने के लिए आ रहा है, और यहाँ पास सर्च करने के लिए आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने रिमोट से ब्लू बटन प्रेस करनी है। जैसे आप ब्लू बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पास से देख सकते हैं जो आपका मोड आ रहा है, तो यहाँ पास दो मोड आएगा, ब्लाइंड आएगा और इसके बाद प्रीसेट आएगा। तो यहाँ पास आपको ब्लाइंड मोड सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपको FTA सिर्फ ऑनली चाहिए तो FTA में यस कर देना है। यस करने के बाद आपको नीचे आके आपको ओके सर्च में सेलेक्ट कर देना है। सर्च में जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पास से चैनल्स आना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पास से आपको चैनल्स प्राप्त हो जाएंगे, और प्राप्त होने के बाद आप उसको ओके प्रेस कर देंगे तो आपका चैनल सेव हो जाएगा और चैनल आपको दोबारा फिर से प्राप्त हो जाएंगे और आपके चैनल्स चलने लगेंगे। तो इस तरह से जब आप किसमें समस्या आती है तो आप उसको सही कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे।